और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं करनाल, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। श्री कृष्ण पवार जी, सभी ऑनलाइन जुड़े हुए प्रदेश भर के 132 स्थानों पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे सब स्थानों पर उपस्थित हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, आज विशेष तौर पर हमारे इन दोनों जिलों के विधायकगण यहाँ हैं और उसमें श्री राम कुमार जी कश्यप, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि आज उनका जन्मदिन भी है। हमारे महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा बहन श्रीमती उषा प्रियदर्शनी जी, चेयरमैन श्रीमती निर्मला बैरागी जी, पार्टी की महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, उपस्थित सभी यहां बैठे हुए मंच में विराजमान और वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए सभी स्थानों पर हमारी जो हमारी बहने हैं स्वयं सहायता समूह की, और आज का ये कार्यक्रम लखपति दीदी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी बहने, अन्य महानुभाव पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है। मैं सौभाग्यशाली इस नाते से कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से एक अपने मन में एक विचार, एक योजना, एक कल्पना कि देश की आधी आबादी हमारी माताएं बहनें, इनके रूप में जिस प्रकार से श्रद्धा भाव से ये योजनाएं बनाई हैं, जिस प्रकार का आह्वान उन्होंने किया है, कभी ऐसा विचार आया ही नहीं मन में किसी के कि हमारी बहनें, माताएं, हमारी महिलाएं, गरीब परिवारों की बहनें, उनको कैसे लखपति बनाया जाए। और कार्यक्रम का नाम रखा है लखपति दीदी। ये कल्पना बड़ी अनूठी, अजीब। तो भाइयों बहनों, इस प्रकार से देश भर में आज प्रधानमंत्री जी ऐसी हमारी 2 करोड़ माताओं बहनों को और संबोधित कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी का भी बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं कि एक नई सोच के साथ और आज हमारे बीच में वो आ रहे हैं। बहुत जल्दी वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमने भी हरियाणा में, जैसा मैंने बताया कि 132 स्थानों पर ये कार्यक्रम किया है, और जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखे हैं उस लक्ष्य के अनुसार हम भी हरियाणा की सहभागिता करके और हरियाणा की 3 लाख बहनों को और लखपति दीदी के रूप में हम आगे बढ़ाएंगे। 3 लाख दीदियां हमारी जो परिवार में सामान्य आय कमाती होंगी या नहीं भी कमाती होंगी, उनको अपने व्यवसाय के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, अन्य ट्रेनिंग के माध्यम से, ड्रोन दीदी के माध्यम से, अभी ड्रोन दीदी का कार्यक्रम, इसका प्रदर्शन एक बहन ने ड्रोन चला करके यहां हमको दिखाया, आनंद से अभिभूत में हुआ कि जो हमने टारगेट रखा है हरियाणा के अंदर कि 5,000 बहनों को हम ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे ड्रोन दीदी के रूप में। प्रथम चरण में 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए छांटे गए हैं। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में लगभग 10 बहनें उसकी ट्रेनिंग लेंगी। और एक समाचार बता रहा हूं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत, अभी तो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, 102 बहनों को ट्रेनिंग दे करके उनको अन्य अन्य विभागों में काम दिलवा दिया गया, उनको ड्रोन भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। हमारी जो बहनें चूल्हा जलाकर चौकी यानी रसोई के अंदर रसोई चौकी करती थी, आज उनको वैज्ञानिक तौर पर कितना बड़ा काम देके
और ड्रोन चलाने का काम हमारे अच्छे अच्छे युवा नहीं जानते उस ड्रोन चलाने को, लेकिन उनको व्यवसाय के रूप में इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। दो दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, उसी उपलक्ष्य में आज यह कार्यक्रम हो रहा है। 8 मार्च को क्योंकि महाशिवरात्रि भी है, तो उस उपलक्ष्य में मैं देश भर की, प्रदेश भर की सब हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी मातृशक्ति जब लखपति दीदी के रूप में लखपति बनती हैं, तो लखपति बनकर के वो केवल खुद लखपति बनती है ऐसा नहीं है। एक मां के रूप में, एक दादी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में अपने परिवार को सहायता करती हैं, तो उनके लखपति बनने के नाते से साझेदारी अपने परिवार के सदस्यों की भी हो जाती है। फिर उनका बेटा हो, उनका भाई हो, उनका पति हो, आखिर वो भी उस श्रेणी में आ जाते हैं। महिलाओं के अंदर एक विशेष गुण मैं जो समझता हूं, उनकी बहादुरी, उनकी संपन्नता, ये सब होते हैं, साथ में महिलाओं को कष्ट भी बहुत होते हैं। अब ये हमारी संस्कृति का प्रभाव है कि महिलाएं घर के कष्ट को स्वयं अपने ऊपर सहन करती हैं, लेकिन जो उनके पास पूंजी होती है, जो उनका सम्मान होता है, जो उनको साधन होते हैं उनके पास, वो स्वयं ना रख करके परिवार के सदस्यों में बांट देती हैं। तो ये जो परिवार की कल्पना है, इसके धुरी में महिला होती है। महिला परिवार में अच्छी संस्कारित है तो 3 पीढ़ियों को सुधार देती है, अपने परिवार को, अपने पति के परिवार को, और आगे आने वाले बच्चों के परिवार को, उनको सबको हमारी महिला, हमारी माता, हमारी दादी ये संवारती हैं। इतने बड़े महत्वपूर्ण हिस्से के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई, उसके अंदर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाए, कौशल विकास, उस कौशल विकास में जैसा मैंने बताया कि ड्रोन का कौशल तो होगा ही होगा, इसके अलावा भी अन्य प्रकार के काम, सेल्फ हेल्प ग्रुप में अन्य अन्य प्रकार के उत्पाद पैदा करना, और उत्पाद पैदा करके उनको बेचना, अपनी आजीविका के साधन बढ़ाना। हरियाणा के अंदर आज लगभग 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं और 6,00,000 से ऊपर बहनें ये इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। हमारे अमरेंद्र कौर जी ने ठीक बताया, इस सारे कार्यक्रम के, आजीविका मिशन के आप प्रमुख हैं, पूरे प्रदेश में घूम घूम करके एक IFS अधिकारी होने के नाते से इतना इनका अनुभव कि हर गांव के अंदर 5 से 10-15 उनकी आबादी के हिसाब से सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे खड़े हों। अभी जनसमाज के कार्यक्रम में मैं जगह जगह गया तो जाकर के मैंने देखा कि हर गांव के अंदर हमारी बहनें अच्छा काम कर रही हैं, और कई जगह पर तो 10,000, 15,000, 20,000, एक बहन तो कहने लगी कि मैं 50,000 रुपया महीना हम अपना ग्रुप को कमा के देते हैं। इतना बड़ा काम, कई प्रकार के उत्पाद, अब उनके बेचने के लिए बाजार चाहिए, स्थान चाहिए। जैसा बताया कि हमने घोषणा की हर शहर के अंदर, कस्बे के अंदर सांझा बाजार बनाएंगे, बजट में 23 फरवरी को मैंने घोषणा की और 24 फरवरी को यही करनाल में, यही दानवीर कर्ण की भूमि पर हमने अभियान पहले श्री गणेश किया और एक सांझा बाजार बनाया है। फतेहाबाद का दूसरा बाजार ये तैयार है, कभी भी उसका उद्घाटन होगा। हमारी इन बहनों को दुकानें मिले बेचने के लिए, बस अड्डे पर सरकारी दुकानें, वहां दुकानें अलॉट अगर करें, प्राथमिकता पर उनको देंगे, और वो भी कुछ जिलों के अंदर ये दुकानें उनको दी जा चुकी हैं। तो ऐसे व्यवसाय करने वाली हमारी बहनें आगे बढ़ें, इसके लिए जो महिलाओं को कौशल का जो काम दिया जा रहा है, आप सब लोगों को उसमें रुचि लेकर आगे बढ़ करके और अपने काम करवाने चाहिए। अब जहां तक ड्रोन का विषय है, ये ड्रोन आखिर सीख करके क्या करेंगी बहनें? इस ड्रोन के लिए सबसे पहले तो अपना प्रदेश, कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते किसानों को ड्रोन की बहुत बड़ी आज आवश्यकता रहेगी। किसान जो खाद छिड़कता है,
अभी वो पानी में छिड़कने के लिए अपने कंधे पर मशीनें लगा करके या फिर हाथ से और वो यूरिया छिड़कता है। अब विधि आ गई है नैनो यूरिया, लिक्विड यूरिया। तो लिक्विड यूरिया छिड़कने के लिए ड्रोन की बहुत बड़ी मांग बढ़ रही है। आकाश में ड्रोन, उसके अंदर टैंकी लगा करके ड्रोन, उसमें नैनो यूरिया डालना और वहीं से छिड़काव करके पूरे एकड़ में, एक 10 मिनट के अंदर पूरे एकड़ के अंदर, और ड्रोन छिड़क करके चले जाते हैं। अब ये काम हमारी बहनें करेंगी। हमारे जो 5000 ड्रोन देने की बात हमने कही है, गांव गांव के अंदर इनकी आजीविका इनको मिलेगी, उस आजीविका से अपना लखपति बनेगी ये। सरकारी विभागों में हमको ट्रैफिक में ड्रोन चाहिए, हमको माइनिंग में ड्रोन चाहिए, हमको ये जो कॉलोनियां आजकल इलीगल कॉलोनियां बन जाती हैं, कोई भी जा करके और कुकुर मुत्ते की तरह उसमें बना देते हैं, इसके सर्वे करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट को ड्रोन चाहिए। यानी ड्रोन की आवश्यकता सरकारी विभागों में बहुत है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन देंगे तो वो किराए के ऊपर इन विभागों को देकर के पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। तो नारी शक्ति को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना। वैसे तो मैं अनुभव कर रहा हूं कि पिछले 10 वर्षों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, उसके बाद ऐसे परिणाम सामने आ रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में बहनें, हमारी लड़कियां, वो सबसे आगे हैं। कुछ दिन पहले हिसार के अंदर एक कार्यक्रम हुआ, उपराष्ट्रपति जी आए हुए थे, तो मेडल लेने वाली जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जिनके थे, गिन के देखा 80% बहनें वो आगे थी इस फर्स्ट आने में 80%। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां 50% से ज्यादा ये बहनों की हिस्सेदारी ना हो। उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान ये हुआ कि पढ़ने के लिए बेटियों के लिए अलग से कॉलेज खोले जाए, ये हमने 20 किलोमीटर कॉलेज का अपना टारगेट पूरा कर दिया है। प्राइवेट स्कूलों में बहनों की शिक्षा कॉलेजेस में ये फ्री कर दी है कि हमारी गरीब बहन, उसके पास फीस नहीं होती, प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो सरकार भरेगी, ये हमने योजना बना दी है। शिक्षा में क्या, विज्ञान में क्या, कल्पना चावला इसी करनाल की हमारी बेटी, एरोनॉटिक्स आकाश के विज्ञान में उसने नाम कमाया, शहादत भी दी उसने। सेना के अंदर हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं, खेलों में हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। आज खेलों में मेडल लेने वाली हमारी बहनें बहुत आगे बढ़ी हैं। तो इस नाते से बहनों का परिवार स्वावलंबी कैसे बने, आत्मनिर्भर कैसे बने, इसकी चिंता ये हम लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी जो हमारा टारगेट है, हमारी 6 लाख बहनें, ये जो खास करके स्वयं सहायता समूह में है, इसको हमने टारगेट रखा है। सबका एक प्रकार से सर्वेक्षण सर्वे कराया जा रहा है। 6 लाख में से 2,58,000 इन परिवारों का सर्वेक्षण हो चुका है। और एक हैरानी की बात, अच्छी बात यह है कि इसमें से 1 लाख बहनें पहले से काम करते हुए 1 लाख की इनकम से ऊपर पहुंची हुई है, 1 लाख। और जब टारगेट हमारा 2 लाख का है और 3 लाख का है, तो 1 लाख के बाद 2 लाख बहनें और हैं जो इस वर्ष के अंदर हम उनको आगे बढ़ाएंगे। चाहे वो उद्योग में, छोटे उद्योग में आगे बढ़ती हैं, चाहे अपने लोन के माध्यम से आगे बढ़ती हैं। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोन का जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो भी हमने एक राशि तक, कितना, 5 लाख राशि तक हमने सरकार की ओर से दिया हुआ है। जो 5 लाख का लोन है उसकी राशि तक, इसका लोन भी सरकार, यानी इंटरेस्ट भी फ्री है, ब्याज भी इसका फ्री है, बशर्ते कि बहनें टाइम से उस लोन को वापस करें। तो इस नाते से बहनों को बहुत सी, उद्योग लगाने के लिए भी हमारी बहनें कई संस्थाएं बनाकर, फर्में बनाकर, कंपनियां बनाकर आगे बढ़ रही हैं। अभी तक देखा है कि उनको बैंक से लोन लेने के लिए और गारंटी देनी पड़ती थी, अब हमने उससे भी मुक्त कर दिया है। इस बार बजट में पहली बार 200 करोड़ रुपए उन बहनों के लिए जो अपना लोन लेने के लिए उसका उपयोग करना चाहेंगे, तो 200 करोड़ रुपया सरकार की ओर से हमने प्रावधान किया है उनके लिए रखेंगे। बहनें आगे बढ़े, आखिर कोई काम ऐसा नहीं है जो बहनें अब नहीं कर सकती।
पुरुषों के मुकाबले में अब बहनों का स्तर अच्छा हो रहा है। कभी कभी तो मुझे जो नौजवान होते हैं वो बड़ी टिप्पणियां ऐसी भी करते हैं कि भाई अब तुम पीछे रह गए, बड़ा प्रेस्टीज का सवाल आ गया, कौन क्या कहेगा कि हमारे परिवारों के हमारे समाज की लड़कियां आगे निकल गई, लड़के पीछे रह गए, होड़ में उनको भी काम करने का मौका मिल रहा है, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो एक जो प्रतियोगिता होती है, इस प्रतियोगिता के अंदर सबको लाभ है, पूरे परिवार को लाभ है। एक ऐसा उदाहरण मुझे मिला, जब हमने महिलाओं के थाने अलग बनाए तो अलग थाना महिला बन गए, 32 के लगभग महिला थाने अलग बने हुए हैं। तो एक नौजवान की टोली आपस में खुसर खुसर कर रही थी, जो थोड़ा मनचले टाइप के थे, नौजवानों में शरारत करने के लिए मनचले ऐसे कुछ करते रहते हैं गड़बड़, तो उनके ऊपर चक रखने के लिए पुलिस हमेशा तैयार रहती है। कभी कभी वो ऐसे ढीठ हो जाते हैं कि पुलिस के लोग उसे भी डरते नहीं है, लेकिन जब महिलाओं के थाने खोले तो खुसर खुसर कर रहे थे कि अब मारे गए। क्यों मारे गए? कि भाई पहले थाने में पुलिस पकड़ के ले जाती थी, चार डंडे लगते थे, हम भी ढीठ से छूट के आ जाते थे, लेकिन अगर महिलाओं के थाने में पहुंच गए और महिलाओं से पिट गए तो भाई ये बेइज्जती और हो जाएगी। इसलिए अब तो सीधे रास्ते चलो और ये गड़बड़े करनी छोड़ दो, ये युवक एक दूसरे को कह रहे हैं। यानी सामाजिक सम्मान, ये भी लोकलाज, ये भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इन महिलाओं के थानों के उपयोग ऑटोमेटिकली कई हो रहे हैं। महिलाएं आज हमारी सुखी हुई हैं, खुल करके कहती हैं। यानी आज तो हम कहते हैं महिलाओं को कभी ना सहिए, खुल के कहिए। पहले सहती रहती थी, थानों में जाती नहीं थी कि हमारी आवाज कौन सुनेगा, लेकिन आज महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल ये मिला है। हमने इन महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए राशन की नई दुकानें, पहली बार 33% राशन की दुकानें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी हैं कि केवल महिलाओं को मिलेंगी और किसी को नहीं मिलेंगी। हमारी एक योजना चलती है हरित स्टोर, अभी तक 1000 हरित स्टोर जो हैं वो हरियाणा में चल रहे हैं, 1000 क्या 1100 कुछ है। इस बजट में हमने 1000 और नए हरित स्टोर खोलने के लिए गांव गांव में और तय साथ में ये किया है कि 1,00,000 रुपए से कम इनकम वाली जो महिलाएं हमारी बहनें, प्राथमिकता उनको मिलेगी। अगर वो अप्लाई करेंगे तो हर स्टोर उनके लिए सब रिजर्व रखेंगे, जितनी बहनें आएंगी पहले उनको देंगे। टारगेट स्पष्ट है, परिवारों की बहनें महिलाएं उनकी इनकम कैसे बढ़े, इनकम बढ़ाएंगी तो अपने परिवार में अपने बच्चों की पढ़ाई, उनका बच्चों का सेहत का ख्याल रखना, उनको आवश्यक वस्तुएं खाने पीने में बच्चों को मिल जाए, घर की छोटी मोटी आवश्यकताएं ये अगर पूरी करती हैं तो फिर हमारे पुरुषों को भी थोड़ा सहयोग हो जाता है अपनी कमाई से और अन्य जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। एक विषय जरूर मैं आपको उल्लेख करना चाहूंगा कि प्रदेश में नशे की आदत भी कहीं कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, खास करके ये जो हमारा पंजाब के साथ लगा हुआ बॉर्डर है, यहां के युवक नशे की ओर बढ़ रहे हैं। रोकने के लिए सरकार ने भी कदम उठाए हैं, पुलिस ने भी कदम उठाए हैं, जो नशे की सप्लाई करते हैं उनको भी हम पकड़ते हैं, जेल के अंदर डालते हैं। कि वो एक काम डर भय बैठाने के लिए तो ठीक है, लेकिन सही मायने में अपने परिवार के बच्चे नशा न करें, इसमें अगर सबसे बड़ा कोई भूमिका निभाने वाला कोई हो सकता है तो परिवार की बहन, माता, दादी, जो अपने घर के अंदर बच्चों को इससे रोक सकती है, वो बच्चे उनकी बात मान करके और जरूर उस बीमारी से उससे बचेंगे। तो मैं हमारी बहनों को, माताओं को यह आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग इस व्यवस्था पर भी ध्यान दें, परिवार के जो सब लोग हैं वो कैसे व्यसन से दूर रहें और नशा मुक्ति के अभियान में बढ़ चढ़ कर लें। हमारे साधु संन्यासी संत, पिछले दिनों में मैंने अपने जन्मदिन के ऊपर उनको बुला करके एक निवेदन किया था, आग्रह किया, प्रार्थना की कि आप बहुत प्रवचन करते हैं, आप समाज में घूमते हैं, विचरते हैं, इस विषय को भी अगर आप पकड़ लेंगे अपने बातचीत के कथा के हिस्से के लिए तो मुझे खुशी है। संतों ने कहा कि हमारे लिए बहुत प्राथमिकता का विषय है। आज संतों के सब प्रवचनों में नशे के खिलाफ इस प्रकार की बात वो करते हैं, ऐसा मुझे जानकारी है।
तो मेरा निवेदन इतना ही है कि वो कब किसी भी समय 11:30 बजे प्रधानमंत्री जी के वहां से मंच से हम जुड़ सकते हैं, तो मुझे अपनी बातचीत उसी समय समाप्त करनी होगी। लेकिन एक निवेदन नहीं मैं कर रहा हूं कि इन बहनों की रक्षा सुरक्षा, जैसा हमारा संस्कार है हमारे समाज का, मातृदेवो भव, हम महिलाओं के सम्मान में सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कभी किसी चीज की आवश्यकता हो, उस नाते से हमारी इन बहनों को, माताओं की शिक्षा सुरक्षा सम्मान, इसके लिए जो आवश्यकता हो आप खुल करके कहिए, आप मेरे तक बात पहुंचाइए, आपकी हर बात का ध्यान रखना ये मेरा काम है। आपका भाई मनोहर लाल हमेशा आपके लिए तैयार है। मोदी जी ने गारंटी दी है, मोदी जी ने गारंटी दी है, गारंटी मोदी जी की है, लेकिन उस गारंटी पर भरोसा कराने के लिए हरियाणा सरकार आपको भरोसा दिलाती है, मोदी जी की गारंटी के सब काम पूरा करने का हम आपको भरोसा दिलाते हैं। आज इस अवसर पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का संदेश हमारे लिए एक नए और उत्साह की बातें जरूर लेकर के आएगा, क्योंकि संदेश लगता है 2-3 महीने किसी प्रकार की अन्य चर्चाएं हमको उस प्रकार की सीधी सुनने को ना मिले, लेकिन ये 2-3-4 महीने भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इस महत्वपूर्ण जो भरोसा हमने कायम रखना है उस भरोसे को आगे भी प्रधानमंत्री जी गारंटी पर, यानी इस भरोसे को कायम रखने के लिए उस गारंटी का हम लाभ उठाते रहें, तो आगे भी इस गारंटी का लाभ उठाने के लिए ये हमने भी अपनी भूमिका जो निभानी है उस भूमिका के लिए हम तैयार रहें। इस अवसर पर आप इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में, न केवल यहाँ बल्कि हरियाणा के सभी 132 स्थानों पर जो उपस्थित हैं उन सब का अभिनंदन और आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और प्रधानमंत्री जी के जुड़ने की हम प्रतीक्षा करेंगे। तब तक हमारे कलाकार कुछ कार्यक्रम करने के लिए और बीच में 2-5 मिनट के लिए आगे आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।